हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत केस और दिशा सजन केस में कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल बीजेपी के विधायक नीतीश राणे एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं दिशा सजन केस में। दोस्तों, एक बहुत बड़ा राज वो खोलने वाले हैं कल मुंबई पुलिस के सामने। जैसा कि दोस्तों एनआई न्यूज ने बताया है, दिशा सजन केस, मुंबई पुलिस सेंड्स नोटिस टू बीजेपी एमएलए नीतीश राणे, आस्किंग हिम टू अपियर बिफोर देम टुमारो जून 12 फॉर क्वेश्चनिंग। राणे हैड क्लेम दैट सालियन वॉज मर्डर्ड, पुलिस विल क्वेश्चन हिम रिगार्डिंग हिज क्लेम एंड आस्क वॉट एविडेंस ऑफ द मर्डर ही हैज। यानी कि कल नीतीश राणे को मुंबई पुलिस ने समन भेजा है और उनसे कल सवाल पूछे जाएंगे कि वो दिशा सजन केस के बारे में क्या क्या जानते हैं, क्या सबूत है उनके पास। तो नीतीश राणे खुल के कल बोलने वाले हैं, उनके पास जो सबूत है सब वो देंगे। और हमेशा से वो कहते आ रहे हैं कि दिशा सालियन का मर्डर किया गया है, दिशा सालियन को मारा गया है और दिशा सालियन का केस सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा हुआ है। और दिशा सालियन केस अगर सॉल्व होता है तो सुशांत सिंह राजपूत केस भी ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। दोस्तों, नीतीश राणे का कहना है कि मुंबई पुलिस ने उन्हें कल बुलाया है और वो जो कुछ भी जानते हैं वो कल सब कुछ बताएंगे और उनके पास जो कुछ भी सबूत है वो कल मुंबई पुलिस को देंगे। नीतीश राणे का कहना था कि दिशा सालियान बहुत कुछ जानती थी और कुछ वो बताना चाहती थी सुशांत सिंह राजपूत को, और इसी सिलसिले में सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया और दिशा सालियान को भी मारा गया। तो इसके बारे में वो कल मुंबई पुलिस को खुल के बताएंगे। और दोस्तों, मैं बार बार यही कहता आया हूँ कि ये जो केस है सुशांत सिंह राजपूत केस का और दिशा सालियान केस, ये दोस्तों सॉल्व होगा। ऐसा लग रहा था कुछ लोगों को कि ये केस कोल्ड स्टोरेज में चला जा रहा है, इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, इसका कुछ भी नतीजा नहीं निकलने वाला है दोस्तों। लेकिन मैं हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक था, मैं आपसे कहता आया हूँ कि सीबीआई ने अच्छा काम किया है और ये केस कभी भी कोल्ड स्टोरेज में नहीं जाएगा। दोस्तों, आप ये वीडियो देखिए, नीतीश राणे इस वीडियो में क्या कह रहे हैं, आप सुनिए, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूं। मर्डर केस है और 8 जून को जब भी ये सब पूरा हादसा हुआ और 13 जून को, मैं तभी से लेके आज तक बोल रहा हूं कि ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थी जहां मर्डर को छिपाने के लिए, क्योंकि तभी महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट थी, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे और आदित्य ठाकरे जी का सस्पेक्ट में नाम है। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि अगर आदित्य ठाकरे ने कुछ किया नहीं है उसके अंदर, तो उन्होंने जाके अपना टावर लोकेशन 8 जून का बताना चाहिए, वो किधर थे, 13 जून को किधर थे। हमारा मानना है कि वो स्पॉट पे थे तभी। फिर अगर ये केस ऑफ सुसाइड था तो फिर उन्होंने वहां के सीसीटीवी कैमरेज क्यों डिलीट किए, वहां को वॉचमैन को क्यों गायब किया, वहां के विजिटर बुक के 2 पेजेस क्यों गायब किए, ये सारी चीज। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक आया नहीं है दिशा सालियान का। तो मुझे ऐसा बोलना है कि ये सारा जो सच है, अभी हम एसआईटी के सामने मैं कह दूंगा जो कुछ मेरे पास मालूम आते, जिससे जो असली मर्डरर है, जो असली खूनी है, जो आज भी घूमते हैं विधानसभा परिसर में भी आते हैं, हम मीर शाह के बारे में बात करते हैं, अग्रवाल की बात करते हैं, और एक है ना आदित्य ठाकरे नाम का, उसको भी सजा होनी चाहिए। तभी महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट इसलिए सब कुछ छुपाया, पर अभी हमारी महायुति की गवर्नमेंट है, किसी को छोड़ेगी नहीं, जो सच है उसको बाहर लेके आएगी। तो दोस्तों, आपने नीतीश राणे को सुना, और जैसा दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता आया हूं कि इस मामले में, सुशांत सिंह राजपूत केस में और दिशा सालियान केस में जरूर नतीजा निकलेगा। बहुत यूट्यूबर ने इस मामले को छोड़ दिया, लेकिन दोस्तों मैं आज तक इस मामले को मैंने नहीं छोड़ा है, मैं हमेशा आपको अपडेट बताते रहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई भी एक दिन इस केस को अंजाम तक पहुंचाएगी और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को जस्टिस मिलेगा। तो कल एक दोस्तों बड़ा दिन है, कल आप मुझसे जुड़े रहिएगा। जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी कि नीतीश राणे जी ने क्या क्या खुलासे किए हैं, क्या क्या उन्होंने सबूत दिए हैं पुलिस को, मैं आपको लेटेस्ट खबर दोस्तों पहुंचाऊंगा। मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये केस दोस्तों जो ऐसा लग रहा था कि कोल्ड स्टोरेज में चला जा रहा है, लेकिन ये फिर से जिंदा हुआ है। दिशा सालियान केस दोस्तों अगर सॉल्व होता है तो सुशांत सिंह राजपूत केस भी अपने आप सॉल्व होगा। तो दोस्तों, आप बनेगा मेरे इस चैनल से, मैं कल आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा जैसे ही नीतीश राणे कोई भी राज खोलेंगे, मैं आप तक लेटेस्ट न्यूज़ पहुंचाऊंगा। और इसीलिए दोस्तों आप कल बने रहेगा, कल सुशांत सिंह राजपूत फैंस के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और हमें आशा है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को जस्टिस